हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी से नाश्ता बनाएंगे। ये हाथ की टूटी हुई है, मैं इनको ड्राई रोस्ट करके रख लेती हूँ। इसमें से मैंने एक कप ली हैं, आप पास से देख सकते हैं। तो आप बाजार की भी बैम्बिनो सेवई ले सकते हैं। पत्ता गोभी हमने काट लिया है। सब्जियाँ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। उबले हुए मटर हैं, नमक है स्वाद के अनुसार। दो प्याज हमने काट लिए है। एक हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है। मैगी मसाला डालेंगे, मसाला है मैजिक, और ये है मस्टर्ड सीड्स। तो जो जो मसाले मैं डालती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। और यहाँ मैंने पानी उबलना रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही ज़रा सी हल्दी, 2 पिंच के करीब हल्दी। साथ में डालेंगे हम थोड़ा नमक, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें ये सेवई। इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून ऑयल, और इसको ना हम थोड़ा सा चलाते हुए, तब तक लगे ना, हल्का सा चला सकते हैं बीच में। और ये देखिए, आप बॉईल होना शुरू हो गई है अच्छी तरह से। पानी बहुत खुला लेना है, जैसे आप कभी चावल बॉईल करते हैं ना, उस तरह से। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई मेजरमेंट है। अच्छा, आधा पतीला चावल भर लीजिए, पानी भर लीजिए, और फिर उसमें ये सेवई डाल दीजिए। तो सेवई सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। जब तक सेवई पक रही हैं, तब तक हमने इसमें डाला है 1 चम्मच घी। आज हम ये घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और घी गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें ये मस्टर्ड सीड्स। क्रैकल होने देते हैं मस्टर्ड सीड्स को। पहले घी ना बिल्कुल बहुत गर्म नहीं करना है, जलाना नहीं है, गर्म होने के बाद, ठीक है। एक ये कटी हुई हरी मिर्च, आप ये ऑप्शनल है, अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें ये कटे हुए प्याज। एक बड़ा ले लीजिए या 2 मीडियम प्याज ले लीजिए, इनको लंबा काट लीजिए, और इनको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये देखिए, सेवई कितने अच्छे से खुले पानी में पक रही हैं, और हमने हल्का सा खाकर इनको देखा है, गल गई हैं, मतलब चिपके भी ना और गल जाएं पूरी। तो अब हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको छलनी से छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है, और आपको मैं बताऊं, ये बिल्कुल खिली खिली हैं। हमने ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया ताकि इनकी कुकिंग रुक जाए, और देखिए कितना प्यारा येलो कलर आया है। तो इनका पानी और अच्छे से सूखने देते हैं। प्याज भुन गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। सब्जियां आप जो मर्जी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। हमने आधी गाजर के भी जूलियंस कर लिए हैं, उनको भी हमने साथ साथ डाल दिया है। बहुत पतले हैं तो जल्दी से ही गल जाएंगे। ऐसे करके ना हम सारी सब्जियों को रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, बहुत कम घी में। ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार होती है। जो हमने सेवई में ऑयल डाला है ना, 1/2 चम्मच, ताकि वो चिपके ना, तो वो तो ऑलरेडी पानी से बाहर निकल गया। आप जो खा रहे हैं वो जाएगा ये 1 चम्मच देसी घी। और हल्का ही हमने सॉफ्ट किया है इसको। इसके साथ ही हम डाल देंगे ये 1 कटी हुई शिमला मिर्च, ठीक है, साथ में थोड़े से उबले हुए मटर। सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ ना, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। इनको भी मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर, और ढेर सारी सब्जियां हैं, कितना अच्छा कलर आया है सब्जियों का। तो सब्जियां आप कम ज़्यादा अपनी तरफ से कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। काली मिर्च पाउडर 2 पिंच मिक्स करेंगे। और सब्जियां क्रंची ही रखनी है। उबले हुए मटर हैं, शिमला मिर्च को हमने बारीक काटा है। उसमें आप लंबा भी काट सकते हैं शिमला मिर्च को, लेकिन मैंने पहले से काट के रख ली थी तो इसलिए मैं छोटा काट के डाल रही हूँ, अदरवाइज लंबी कटी हुई भी अच्छी लगेंगी। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है मैजिक मसाला मैगी का, ये मैं डाल रही हूँ। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर बच्चे सब्जियां खाएं तो बहुत अच्छी बात है। सब्जियां रेडी हैं, अब हम डालेंगे इसमें सिवई। देखिए कितनी खिली खिली हैं, है ना बढ़िया। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो ऐसे बनेंगी फिर, और सब बहुत शौक से खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए, और इसमें ना ये झंझट भी नहीं है कि कितना पानी डालना है, आप पहले से उबाल लेंगे ना तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हमें इसे कितना उबालना है कितना है नहीं उबालना है ना। तो इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ये मैगी मसाला जो है वो नीचे कढ़ाई में लग रहा है लेकिन साथ साथ उतर जाएगा। इस समय हम इसका नमक टेस्ट करके देखेंगे। और ये देखिए भाप निकलती हुई हमारी ये यमी सी सेवई बनकर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।